रात पर अगर हम जीत रहे थे लेकिन हराया नहीं था रात में, आपका लेट भाई बागी हो गया, वो तो इंडिपेंडेंट था, वो तो हमारा कैंडिडेट था। रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नहीं, नाथनगर हम जीत रहे थे लेकिन हराया गया नाथनगर को सीट को, इतना लेट रिजल्ट आया, इसके पीछे कुछ राज थी इसलिए उन्होंने हराया। जहां इन लोगों की गुंजाइश चली नहीं, मार्जिन बहुत ज़्यादा था तो वहाँ कुछ कर नहीं सके, जहाँ मार्जिन कम था वहाँ इन्होंने अपना गेम खेला। सुशील मोदी का बयान आ रहा है कि दुरौंधा में जो प्रत्याशी जीता है वो एनडीए का बागी प्रत्याशी। भाई बागी हो गया तो वो तो इंडिपेंडेंट था, वो तो हमारा कैंडिडेट है। अब हम तो यही कहेंगे कि अब वो एनडीए का बागी है, बागी कैंडिडेट है तो एनडीए का कैंडिडेट था कहाँ? और जहाँ तक सुशील मोदी जी कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट है, तो था हिम्मत थी टिकट क्यों नहीं दिया? है जब बेइज्जती उस कैंडिडेट को बेइज्जत कर दिया, आप टिकट नहीं दिया, अब वो इंडिपेंडेंट उसकी क्षमता थी जीत गया, तो अब जीत गया तो आप कहते हो कि यानी कि हमारा कैंडिडेट है, शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? इतनी बेहयाई पर उतर के कि आप जो भी जीत के आता है वो कहेंगे मेरा कैंडिडेट इंडिपेंडेंट था, हिम्मत टिकट दे दे तब समझ में आता कि हाँ इनका कैंडिडेट है कि नहीं है। क्यों नहीं टिकट दिया, क्यों नहीं सिंबल दिया? वीआईपी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वो बोल रहे हैं कि एक बार ये जो गलती हुई है उपचुनाव में, महागठबंधन को अब इस पे सोचना चाहिए कि ये गलती दोबारा ना हो 2020 में। कौन सी गलती? कोई गलती नहीं थी चुनाव में, जो गलती हुई कोई गलती नहीं। हमारा जनाधार है, हमें जनता ने वोट दिया और 2020 में हम 200 सीट से जीत के आएंगे। उन्होंने उनकी क्षमता थी, उन्होंने खड़े हुए कैंडिडेट हमारे कैंडिडेट को हराने के लिए, लेकिन वो कहाँ गिरे, मुंह के गिरे। अब जब गिर गए तो ये गलती, गलती क्या है? गलती तो वो किए हैं, हमारे ही आरजेडी गलती नहीं की है, गलती तो किए हैं मुकेश सहनी जी। मुकेश जी अपनी औकात देख लिए। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल बोल रहे हैं कि सहनी जी हमारा वोट काटे हैं, ना कि राजद। हे भाई, सहनी जी इसका मतलब है कि सहनी जी का वोट है ना? सहनी जी हमारे दिए साथ, सहनी जी वोट इंडिया का काटे हैं कि ये महागठबंधन का काटे हैं, ये तो सहनी जी बताएंगे। इसका मतलब है कि सहनी जी का ट्रांसफर करने की कैपेसिटी नहीं थी, इन्होंने कास्ट लाइन पे इन्होंने वोट कर रहे हैं। इस बार उपचुनाव में जो इस नए पार्टी की एंट्री हुई है, देखिए AMI अलग है, हम लोग महागठबंधन के जो लोग हैं महागठबंधन ही के लोग रहेंगे, उसमें AMI को कुछ सवाल ही नहीं है। वो अपनी वो अपने दल से वो लड़ रहे हैं, किस तरह लड़ रहे हैं उससे हम लोगों का कोई से आपके लेन ये मेल जोल है नहीं। उनका अलग है लाइन काम का ऊपर करने का, AIM का अलग वर्क कर रहे हैं और महागठबंधन का अलग है। हर लोगों का अपना अपना एक एम्स है, अपना अपना एक आइडियोलॉजी है, अपने अपना एक तरीका है। उस अपने आइडियोलॉजी से हम अपने लड़ रहे हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं। महागठबंधन की आइडियोलॉजी जो है कि सेकुलर फोर्सेस को एक जगह करना है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।